घटना शुरू हो गया और 16 तारीख को तो 10,000 लोगों को और हम लोग नौकरी देने जा रहे हैं, तो लगभग तो लाखों में तो हो ही गया। और कुछ दिनों में जो है जो हम लोगों ने किया है वो सारा करेंगे, लेकिन 8 साल में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, उसमें से 16 करोड़ में से इन्होंने कितना रोजगार दिया ही पूछिए। आप तैयार हैं हिसाब के लिए? हिसाब के लिए होना चाहिए। ये समझाना चाहिए ना कि आपने 8 साल सरकार को हो गया और 8 साल में ये कितने इन्होंने दावे किए। तो खैर, गुजरात का चुनाव है और चुनाव आने वाला है, इसलिए जुमले तो बोलते ही है ना, ये तो अमित शाह जी ने कहा ही है। आपकी बहन सर किडनी दे रही है, आप गुप्ता जी को कैसे देखते हैं? क्योंकि तबीयत भी ज़्यादा खराब थी, लालू जी को किडनी दे रही है। अरे, इसमें डॉक्टर का यही था कि परिवार में से हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो जो बेस्ट मैच था तो जो हमारी बहन है रोहिणी जी, उन्होंने टेस्ट कराया था और मैच हुआ है। हालांकि हमारे परिवार में और भी लोग जो हैं वो देना चाहते थे, लेकिन जो और भी बहनें हों, लेकिन रोहिणी दी क्योंकि वही रहती हैं और वो ज़्यादा इच्छुक थी डोनेट करने के लिए, और उनका बेस्ट मैच निकला तो जो बेस्ट मैच होता उसी का। आपसे सही हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी के लोग कि 3 महीने हो गए कितनों को नौकरी रोजगार दिया, 3 महीने हो गए सरकार में आए हुए, बीजेपी के लोग हिसाब मांग रहे हैं कितनों को तो करना ही चाहिए हिसाब किताब, उनको अभी गिनती आता है। अभी तो 3 महीने के अंदर ही लगातार नियुक्ति पत्र बंटना शुरू हो गया और 16 तारीख को तो 10,000 लोगों को और हम लोग नौकरी देने जा रहे हैं, तो लगभग तो लाखों में तो हो ही गया। और कुछ दिनों में जो है जो हम लोगों ने किया है वो सारा करेंगे, लेकिन 8 साल में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, उसमें से 16 करोड़ में से इन्होंने कितना रोजगार दिया ही पूछिए। आप तैयार हैं हिसाब के लिए? होना चाहिए, बहस इसी पे होनी चाहिए।